गुस्सा करने का योगी के राज में हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं गुस्से से नहीं प्रेम से कह रहा हूँ। किसी की माँ की इज्जत नहीं लूट रही, किसी की बहन का किडनैप नहीं हो रहा। वाले थे बसपा वाले थे, कांग्रेस वाले थे, आम आदमी थे, वो कौन थे? मोदी जी जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज पर, और खास कवरेज जिसे हम कह सकते हैं क्योंकि ये है यूपी इलेक्शन 2022। तो बहुत सारे लोग बातचीत कर लेते हैं सीधे इन लोगों से, कह रहे हैं मोदी जी की सरकार चले, खाना पीना सब दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चाचा बहुत खुश है, इस बार लग रहा है कि पूरे चांसेस हैं योगी जी के। हाँ, योगी जी के चांस हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अरे उन्हें सबको, हाँ अच्छा, सभी को पहले कह रहे हैं कि सभी से बुलवाइए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। इस बार क्या लग रहा है कि बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, टोटल मिला के, कुल मिला के इस बार क्या लग रहा है सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा? क्या तय किया आज तक के इतिहास में? पूरा इतिहास देखा जाए तो जितना भ्रष्ट ये शासन रहा है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस जितना भ्रष्ट एक भी शासन नहीं। अच्छा। बिल्कुल विकास का कोई काम नहीं, रोजगार कहीं नामो निशान नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर, मतलब आपको कोई काम पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अराजकता, वो अराजकता जो जिससे जिस शासन में लोग कहते थे गुंडा राज, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 साल पहले कहा था यूपी में गुंडा राज है। सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा मानते हो कि लोगों के दिए हुए वक्तव्य को ज्यादा अच्छा मानते हो? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, सरकार नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, जनता तो अपने जनता जनता नहीं, जनता में अपने लोग अपने अपने हिसाब से व्यक्त रखते ना, लेकिन हमारी जो सुप्रीम जो पावर है, जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली तो झूठ नहीं बोलेगी ना। न्यूज़पेपर में बाकायदा वक्तव्य था कि जंगल राज यूपी में है, जंगल राज यूपी में है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं, रोजगार सुरक्षित नहीं, लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं, भीख यानी लोग बहुत त्राय त्राय कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आप ये बताइए, बहुत सारी चीजें गिनवा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आज मॉनसून जो है सत्र में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि देखिए आंकड़े के साथ बताऊंगा क्या हुआ है। बीजेपी एक यहाँ से, आप मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। ये यहाँ से बुढ़ेरा पे खड़े हो आप, बुढ़ेरा से शमशाबाद रोड की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। 6 साल हो गए मुझे इस रोड के टुकड़े को देखते हुए, आज तक ये 6 साल में पूरा नहीं हो पाया। छह साल में ये पाँच किलोमीटर का टुकड़ा पूरा नहीं हो पाया, 5 किलोमीटर का टुकड़ा 6 साल में पूरा नहीं हो पाया। और एक उदाहरण आपको ये देखिए विकास पुरुषों का, कि एक 350 किलोमीटर का, 350 किलोमीटर का प्रोजेक्ट आपके सामने 18 महीने में खड़ा हुआ तैयार रखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, कौन से की जरा बताएं? यानी वो आप किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है? उस रोड पे चल के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा काम किससे, इससे कहते हैं काम। 18 महीने का काम आपको देखना है तो 18 महीने में 350 किलोमीटर। मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये किस चीज का जिक्र कर रहे हैं, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का जिक्र कर रहे हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं वही में कह रहा हूँ, जनता को स्पष्ट करना पड़ता है, यानी लोगों को देखना पड़ेगा ना। 5 किलोमीटर का रास्ता जिस पे आप खड़े हो, 5 किलोमीटर की दूरी है, ग्वालियर रोड की यहाँ से केवल 14 किलोमीटर की दूरी है। मुझे नहीं लगता है ये 20 साल में भी पूरा हो पाएगा, ग्वालियर रोड तक का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। पूरा आगरा त्राय त्राय कर रहा है। अगर ये 20 साल में पूरा नहीं हो पाएगा तो आपको लगता है कि फिर तो आप मान रहे हैं कि 20 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी? नहीं नहीं, 20 साल नहीं, इनकी सरकार रहेगी नहीं, खत्म है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है साहब। ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे गायब होंगे जैसे ना किसी पार्टी से नहीं है, मैं तो हम यहाँ पर रहते हैं भाई, धूल फांक करके हमारी वो हालत हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। 5 किलोमीटर का रास्ता तुम 6 साल में तैयार नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे देश के लिए? एक काम मुझे बताओ, बीजेपी के कोई मुझे 5 काम कोई बता दे, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े आज ही योगी, देखिए ये तो पांच काम कोई बता दे। आज ही योगी आदित्यनाथ ने गिनवाया है, आबादी के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में जिस तरीके से हमारे देश की आबादी है उस हिसाब से रिकवरी रेट सुधरा है, जो उन्होंने आज ही मॉनसून सत्र में जो है, किस चीज में सुधरा, किस चीज रिकवरी रेट में कोरोना पैंडेमिक के बीच में उन्होंने ऐसा बताया? अरे मैडम वही तो जानना चाहता हूँ, कब तक इस जनता को बेवकूफ बनाओगे, कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? मैं क्या कह रहा हूँ, कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? जनता समझने लगी केवल इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं है।
केवल हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई काम नहीं है। एक काम मुझे बता दीजिए, इनके लोग राजनीति किसी दूसरे मुद्दे पर करके बता दे, एक चीज पर, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर। यानी धारा 370 हटाई, हमारी उसमें आस्था है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले हमें रोजगार की आवश्यकता है, उससे पहले हमें विकास की आवश्यकता। मतलब जो काम अच्छे लगे उसको अच्छा था बिल्कुल, पर जिनसे ना खुश है अरे वो कोई काम नहीं है। हाँ। वो कोई काम नहीं है। संविधान में संशोधन करना कोई बड़ा काम नहीं है। आज से पहले सैकड़ों संशोधन हुए। हाँ। कितने संशोधन हुए? बहुत सारे संशोधन हुए। हाँ। लेकिन पृष्ठभूमि पर काम चाहिए जनता को, पृष्ठभूमि पर रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, रोड चाहिए, मॉडल चाहिए, स्मार्ट सिटी की स्थिति देख लीजिए। पेट के लिए रोटी भी चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है। हाँ, रोटी मरने की स्थिति पर आ गया लोग बाग। आपको अगर आपको देश को देखना है ना, सरकार थोड़ी फिर वोट सरकार, यानी सरकार जनता ही तो वोट सरकार बनाती है ना, सर अपने अपने व्यवस्था के लिए तो बनाती है ना। और वहाँ पर बैठ करके आप व्यवस्थाओं को बिगाड़ेंगे। व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यही तो मैं जानना चाहती हूं। वही मैं कह रहा हूं ना, व्यवस्था ये होनी चाहिए। बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते इनके, अरे इनके इनको कोई ताकत ही नहीं है। अरे ये कर सकते हैं इनको, केवल इनको ये क्या मैडम, अब आप समझिए, ये तो देश का दुर्भाग्य है। इनको केवल इतना आता है कि ओबीसी से ओबीसी को लड़ाओ, ओबीसी से ओबीसी को लड़ाओ, यादव को बघेल से लड़ा दो, बघेल को राजपूत से लड़ा दो, राजपूत को उससे लड़ा दो। आप उसको ये आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जो जो उच्च शिक्षा में जो प्रिंसिपल की जो भर्ती हुई है, प्राचार्यों की भर्ती हुई है, जिसका रिजल्ट अभी 4 दिन पहले आया है, उसमें उठा के देखिए इन्होंने क्या दलजियाँ उड़ाई हैं बीजेपी की। यानी पूरा ठाकुरवाद और पूरा ब्राह्मणवाद इन्होंने लागू कर दिया। अच्छा। बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंड, ये वो गुंडागर्दी इसमें हो रही है। स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कैमरे पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिसाब से दे रहा हूँ, कह के दे रहा हूँ, ऑथेंटिक तरीके से दे रहा हूँ, प्रत्यक्षों के साथ दे सकता हूँ मैं आपको। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि सभी जाति, सभी धर्म, कुछ नहीं, सभी को लेकर के हम चल रहे हैं, कोई धर्म और हमारी पार्टी में ये कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद का उन्होंने मुद्दा देख करके वो डिस्पोजल हो गया, वो अब वो कैसे हो गया अब या, जी जी हाँ भैया आगे आइए जना। अरे जो बोलना है बोल तो दीजिए, कैमरे पर सभी की अलग अलग विचारधारा जाएगी। हाँ हाँ, अब आप भी बता दीजिए। देखिए नहीं, वो बोल जो भी रहे हैं उनकी अपनी विचारधारा, मैं सभी की जल्दी जल्दी जानना चाह रही हूँ। अब आप भी बताइए आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार 2000। जो बिन्ने बोल रहे हैं भाई मैं ही हूँ। अच्छा, जो भैया बोल रहे हैं वही है के मुद्दे, मतलब रोजगार वगैरह ये तमाम चीजें आपको चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, और कुछ बोलना चाहते हैं? और उटासा गाँव हमारा नौपरा है। आज के जमाने में देख लो कि जो गांव ऐसा है, क्या क्या बोलते हैं, बेसिन सिटी बोलते हैं, वो सिटी में वो गांव नौपरा गांव, नौपरा गांव किसी लायक नहीं है। आए दिन रिश्तेदार गाली गलौज करते हैं क्योंकि जान रास्ता नहीं है। स्मार्ट सिटी में रास्ता नहीं हो नौपरा के लिए। अच्छा। अरे मैडम, इतने इतने बड़े कीचड़ में जाना पड़ता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, लोगों की हालत वो है। आप नरक में रह रहे हैं, नरक में आप मैडम यहाँ पर सूखे में खड़े हुए हो इन लोगों की बरसात के टाइम। मैं क्या क्या कह रहा हूँ, केवल इनको लड़ाने के अलावा, मुद्दे लोगों को भटकाने के अलावा प्रधानमंत्री जी के पास कोई मौका नहीं है। मैम योगी जी इज बेस्ट। अच्छा, योगी से बेटर कोई नहीं, योगी जी से बेटर कोई नहीं। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में बुराई चल रही है। हाँ हाँ, योगी जी से बेटर कोई नहीं, योगी जी से बेटर कोई नहीं, कोई यूपी में कोई सीएम नहीं योगी जी से बेस्ट। अच्छा, बिल्कुल यूपी में ऐसा कोई सीएम ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये कह सकते, वो उनका उनका अपना वक्तव्य है, उनका अपना विचार है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ वो कोई 4 काम बता दे जिस वजह से उनको होना चाहिए यहाँ पर। हर चीज से, किसी की माँ की इज्जत नहीं लूट रही, किसी की बहन का किडनैप नहीं हो रहा, किसी की चैन नहीं खींच रही, डेली होता था, आज इस अखबार में कोई खबर नहीं आ रही फालतू की। देखिए हाथरस में जाके देखिए, हाथरस को देखिए, भूल क्यों गए साहब, गुस्सा करने योगी के राज्य में हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, मैं राजनीति कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं, मैं गुस्से से नहीं प्रेम से कह रहा हूँ। हाथरस में देखिए, योगी के राज्य में हुआ था, किसके में हुआ था? नहीं, वो किसी और के राज्य में हुआ था साहब। वो बीजेपी वाले नहीं थे, वो कौन थे? सपा वाले थे, बसपा वाले थे, कांग्रेस वाले थे, आम आदमी थे, वो कौन थे? योगी जी करा रहे इस काम को। योगी का नेता न होगा न है सके दुनिया के अंदर। हाँ, नेता जी बाबा, आपने तो बहुत अनुभव किया है, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो हमेशा सबको बढ़िया लगा। अच्छा, सबको बढ़िया लगा, योगी और जोगी सबसे बढ़िया है।
योगी से बेस्ट योगी सबसे बढ़िया है, बड़ी बढ़िया। इन लोगों को कुछ भक्त हैं, कुछ भक्त हैं, देखो ऐसा होता है भक्तों को पट्टियां बंधी हुई हैं और पट्टियां हटने में टाइम लगेगा, पट्टियां हटने में टाइम लगेगा और लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको सबसे अच्छी बात जाननी है तो जाके भारत शहरों में नहीं बसता है, भारत गांव में बसता है। गांव के लोगों को जाके देखिए, लोगों को जाके देखिए, आज त्राय त्राय की पोजीशन है, अभद्रता का अराजकता का वो माहौल है जिसको जिसकी पराकाष्ठा देश की सुरक्षा चीन ने कितना दबा लिया, कितने लोगों को गुमराह करोगे, कितने लोगों को गुमराह करोगे। काउंटर यानी विकास दुबे जिनको जिनके तैयार किए हुए लोगों को है, यानी ये देश की नहीं, आपने देखा विकास नहीं विकास दुबे का काउंटर कैसे हुआ था, आपको पता है ना गाड़ियाँ टोल्स पर पहले रुकवा ली जाती हैं 2 किलोमीटर पहले, वो देश में पूरे विश्व में खिल्ली उड़ी, जिसकी पूरी खिल्ली उड़ी है उस प्रसाद उस ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। 50 किलो की 45 किलो मिल रही है, 50 किलो यूरिया आती थी वो 45 किलो, पैसे कम हो गए, पेट्रोल की नहीं, वो कुछ नहीं जानते इन चीजों में, कुछ नहीं बिल्कुल सब चश्मा चढ़ा होता है, चश्मे कुछ नहीं कर सकते आप, चश्मे का कुछ नहीं कर सकते आपकी विचारधारा को भी तो दिन में स्टेटमेंट देंगे हम, वो तो पैसा लाएंगे बिल्कुल आएंगे। बाबा अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो जी कहते हैं कि जनता सब ठीक है, लूट मार नहीं है रही है, बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट रही है, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, सब काम हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया। हाँ, बहन बेटियों की इज्जत की आप बात कर रहे हैं तो हाथरस में जो हुआ, अरे एक आध जगह हो जाता है, योगी जी ने थोड़ी कराया, एक आध जगह हो जाता है, योगी जी थोड़ा करा रहा है, माते योगी जी थोड़े करने आ रहे हैं, बेटा हम तुम मार कर रहे हैं, सब है गुंडागिरी कर रहे हैं। मोदी जी रोक रहे हैं पर रुक नहीं रहे। और भी कुछ क्या क्या आपको काम अच्छे लगे? काम की ना हो, विकास चाहिए, जनता क्यों होती है, सरकार क्यों होती है, विकास के लिए होती है, काम के लिए होती है। आप बताइए ये 6 साल ये कितने साल में पूरा होगा, ग्वालियर रोड तक ये रोड कितने दिन में लगेगा? हमें तो रास्ता से मतलब है, हाँ हमारे गांव में रास्ता की प्रॉब्लम है, हमें तो रास्ता से मतलब है, राजनीति से नहीं जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि मेरे को सड़क से। अरे मैडम ये बताओ एडोप्टेड गाँव की पोजीशन देखी आपने, कभी विजिट किया है आपने? जो सांसदों ने गोद लिए थे उन गांव की पोजीशन कभी आपने विजिट किया है? जिन सांसदों ने गोद लिया था ना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत जरूरी है, पृष्ठभूमि पे काम करना बहुत कठिन होता है मैडम, बहुत कठिन होता है, काम करने के लिए जज्बा चाहिए। हिंदू मुसलमान से एक जात से दूसरी जात से लड़ाने से राजनीति नहीं होती है, यानी अगर लंबा बोना है तो दरखत लगाने पड़ेंगे, ये तोरे लोगों की तो ये 1 महीने में बेल लगेंगी और ख़त्म हो जाएंगी सब, और ये ऐसे गायब होंगे ये पता नहीं पड़ेगा। इलेक्शन आने दीजिए मैडम, वो मैंडेट है, वो सरकार बनेगी जो विकास करेंगे उनकी सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस जो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, जो बीजेपी वाले तुम्हारा मर्डर करा देंगे। ऐसे मत बोलिए। अरे साहब, कोई बात नहीं, अगर मर्डर हो जाए, सही बात कहने में अगर मर्डर हो जाए तो कोई बात नहीं है, अब तो इससे बढ़िया तो जीने से बेकार, इससे बढ़िया तो जीना ही बेकार है। मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, यानी कोई भी सरकार आए मुझे वैकेंसीज की बात बताइए, ऐसे नए नए लड़के खड़े हुए हैं, भर्ती नाम की कोई चीज नहीं है, इनके घर में पोजीशन देखिए। अरे साहब इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, जो जनता के सरोकार हैं उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप बताइए कितनी IIT का इन्होंने इनोग्रेशन करवा दिया, कितने एम्स बनवा दिए, कितनी आपने देखा अप्रैल के महीने में स्थिति क्या थी, लोगों के पास सिलेंडर नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, ये देश है, है? ये देश है, अरे ये देश है मैडम, आपने क्या देखा नहीं कि देश किस दौर से गुजरा है, और ये कहते हैं बहुत सारी चीजें गिनवाई है बाबा, इतनी सारी चीजें सुन रहे हैं क्या? सुनो, इतनी हमारी उम्र हो गई, आज तक किसी ने गरीब आदमियों को कोई चीज नहीं बांटी, और मोदी जी ने चामर दाल मक्का और बेटी जो चामर सब चीज बांटी है, और सब खाट गए, नहीं बैठता, कभी नहीं बटा, कभी नहीं मिला हमें तो कभी। अरे वो सही बात है, अंतोदय कार्ड इससे पहले मैडम, ये मोदी जी जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, जो विकास करेगा वो राज
राज्य करेगा, जो विकास करेगा वो राज्य करेगा। चलिए ये तमाम बातें थी, देखिए ये अलग अलग विचारधारा थी। देश की यही खूबी है कि लोकतांत्रिक देश है, तभी मुद्दों पे बातचीत होगी जब दो लोग अलग अलग विचारधारा के खड़े होंगे। वाकई इस देश को सल्यूट करते हैं, ऐसे ही हर जगह जा जा करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और जो इन भैया ने कहा उनकी बात पर ज़रा गौर करनी चाहिए, कई चीज़ें उन्होंने जो है मेंशन की है जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है, वो वाकई सुननी चाहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।